हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। फिर से मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अमृतसर। तो फ्रेंड्स, ये जो सफ़र है ये मैं करूँगा बस से। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अमृतसर स्लीपर बस में। तो ये बस कैसी होगी, कितना खर्चा आता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि अमृतसर अगर आप घूमना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पैसे खर्च होंगे आपके, तो मतलब फाइनली कितना बजट आपका लग जाएगा अमृतसर घूमने में। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, एक एक करके सारी वीडियो डालूँगा, हर टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी मजनू का टीले पे, तो यहाँ से मेरी आएगी बस। तो फ्रेंड्स, मेरी बस है स्लीपर बस। तो अभी तक मैंने सेमी स्लीपर में ट्रैवल कर चुका हूँ, बट इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम स्लीपर बस में ट्रैवल करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके मन में भी सवाल होंगे कि यार ये बस होती कैसे है, अंदर से कैसी है। तो अगर इन सवालों का जवाब अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा, सारी टॉपिक्स कवर करूँगा, बस के बारे में एक एक चीज़ बताऊँगा। और फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट जाती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। तो दोस्तों, मेरी बस आ चुकी है, चलो अब बस के अंदर बैठता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि अंदर से बस कैसी है। मस्त अंदर गद्दे वद्दे लगे हुए, पूरा कंपार्टमेंट सा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, वो बंदे आराम से सोएंगे मस्त मजे से। क्या आराम मिल रहा है। और ये देख सकते हो एसी के लिए इन्होंने यहाँ पे फैन दे दिया है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इसकी अच्छी लगी, सीधा इन्होंने प्लग दिया, यूएसबी का अटैचमेंट नहीं दिया। क्योंकि अगर किसी के भाई के पास आईफोन है तो भाई बेसिकली आपको बस में सी टाइप का कनेक्शन नहीं मिलता, आपको यहाँ पे सीधा ये प्लग लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एज अ कपल इस बस में ट्रेवल करोगे तो भाई प्राइवेसी के मामले में ये एक नंबर है। देख सकते हो ये पूरा ऐसे बंद हो जाता है और यहाँ पर लगा रखा इन्होंने कर्टेंस, तो कोई भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं देख सकता। और भाई मैं सच बताऊँ तो ऐसी फील आ रही है कि जैसे घर में गद्दे के ऊपर लेट के सो रहे हो। और देखो पिलो विलो सब एकदम कंफर्टेबल है भाई, यूँ लगा लो आपका एक छोटा सा कमरा। अब तो भाई सफ़र एकदम लाजवाब बीतने वाली है। और वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो भाई। भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा वेट करना पड़ गया बस के लिए, तो अब भाई मैं सो रहा हूँ। कमरा एकदम कमरा ही बोल रहा हूँ क्योंकि कमरे जैसा ही लग रहा है ये। तो ये जो हमारा कैबिन है, जो कंपार्टमेंट है, ये एकदम चिल्ड हो गया है एसी की वजह से आया है। अब भाई चलो सुबह ही उठेंगे सीधा, मस्त नींद आने वाली है। अब सुबह मिलते हैं हम अमृतसर में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं अब अमृतसर पहुंच गया हूं। रात का सफ़र काफ़ी मस्त रहा, मैं सोते सोते अमृतसर पहुंच गया। तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ना ऐसे ही करें कि रात की बस बुकिंग करें और सुबह तक आप अमृतसर पहुंच जाओगे मस्त सोते हुए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टिकट प्राइस बता देता हूँ कि मैंने कितने में बस बुक की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने बस बुक की थी 1000 रुपीज़ में, उसमें भी एक रुपया कम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखो कभी भी एक ही बारी में बस बुकिंग ना करें। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, 4-5 दिन पहले ही टिकट प्राइस देखने लग जाएँ, कंपेयर करने लग जाएँ, सीधा डायरेक्ट किसी एक वेबसाइट से बस बुक ना करें। तो मैंने तो जो बस बुक की थी पेटीएम से की थी, तो पेटीएम में मुझे सस्ती टिकट प्राइस पड़ी। पहले मैंने रेड बस से, जिंक बस से और भी जो बस की वेबसाइट होती है उनसे टिकट प्राइस कंपेयर किया, देन मैंने फाइनली पेटीएम से टिकट बुक किया। फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है कि भाई ट्रेन से तो ये बेस्ट है, इस टिकट प्राइस में आप मस्त सोते हुए आ रहे हो। अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो भाई हाँ आपको स्लीपर मिल जाएगी विदाउट एसी, बट ये तो जो था ये एसी था, मस्त बेड इन्होंने लगा रखा था, सोते हुए आया हूँ मैं, मस्त नींद आई है भाई। बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं किसी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंफर्ट जोन था ना वो काफ़ी अच्छा था इसमें। तो दोस्तों, ये देख सकते हो ये है एक बंदे के लिए स्पेस, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है।
और ये है दो बंदों के लिए स्पेस। मैंने बस के बारे में आपको सभी कुछ बता दिया है। अब मैं बस से उतर गया हूँ और अभी मैं हूँ अमृतसर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास और अब मैं यहाँ से अमृतसर घूमने निकलूँगा। तो आज मैं अमृतसर में गोल्डन टेंपल, वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग, जो यहाँ के तीन में प्लेस है, उनको विजिट करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि अगर आप यहां पर आते हो तो अमृतसर में आपको कैसे कैसे घूमना है, कैसे अपने पैसे बचाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।